नमस्कार, स्वागत है आपका बेटियों को समर्पित हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। सप्ताह की शुरुआत करते हैं और आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र। मिलवाते हैं एक ऐसी बेटी से जिसकी एक पहल ने अभावों में रहने वाली हजारों बेटियों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। न सिर्फ उन्हें सामाजिक सुरक्षा का एहसास दिलाया बल्कि उनके परिवारों का भविष्य भी सुरक्षित किया। मिलिए देश का पहला महिला सहकारी बैंक स्थापित करने वाली चेतना गाला सिन्हा से। महाराष्ट्र के सतारा जिले में सब्जी बेचने वाली दुकानदार हो या फिर घर में बैठकर बुनाई करने वाली बुनकर, इन सब की जुबान पर एक नाम खास है जो इनकी प्रेरणा भी है तो उम्मीद भी, और ये नाम है चेतना गाला सिन्हा का। जिले के मानदेशी महिला बैंक की संस्थापक, जिनके बैंक में 2,10,000 से ज्यादा महिलाओं के खाते हैं। भारत सरकार ने भले ही साल 2013 में देश का पहला महिला बैंक शुरू किया हो, महाराष्ट्र में पिछले 18 सालों से चेतना सिन्हा महिलाओं के लिए ये सहकारी बैंक चला रही हैं। महिलाओं द्वारा संचालित देश की ग्रामीण वित्तीय संस्था को रिजर्व बैंक ने पहली बार सहकारिता का लाइसेंस दिया था, जो आज महाराष्ट्र की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस बैंक के रूप में जानी जाती है। लेकिन 1997 में इसकी नींव एक खास मकसद के साथ रखी गई थी। एक महिला आई जो लोहार काम करती थी, उसने कहा कि मुझे बचत खाता खोलना है और मुझे बचत करनी है। मैंने उससे पूछा भी कि तुमको बचत, उसने कहा मुझे 3 रुपये रोज बचाने हैं। मैंने कहा क्यों करना है, तो उसने कहा मैं ये जो काम करती हूँ रास्ते पे बैठ के करती हूँ, बारिश में मेरे बच्चे मैं हम लोग खुले में रहते हैं, तो मुझे प्लास्टिक का शीट ऊपर कागज़ डालना है, इसलिए मुझे बचत करनी है ताकि पैसे जमा करके मैं खरीद सकूँ। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं हम ही महिला बैंक शुरू करें, और ऐसे महिला बैंक की शुरुआत की प्रक्रिया में मैं लगी। ग्रामीण महिलाओं की छोटी छोटी बचत को सुरक्षित रखने, उन्हें रोजगार मुहैया कराने और व्यक्तिगत एवं सामूहिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई ये योजना सफल करने के लिए जरूरी था रिजर्व बैंक का लाइसेंस, और उसे हासिल करने के लिए चेतना को खासी मशक्कत करनी पड़ी। रिजर्व बैंक ने कहा कि ये जो प्रमोटिंग मेंबर्स हैं इनको तो बिल्कुल शिक्षण नहीं है, तो हम ऐसी बैंक को तो लाइसेंस नहीं दे सकते हैं। देश की आर्थिक राजधानी में जन्मी और मुंबई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए करने वाली ये बेटी छात्र जीवन में जेपी आंदोलन से इतनी प्रभावित हुई कि महानगर छोड़कर गांवों का रुख किया। लिहाजा चेतना ने हार नहीं मानी और महिलाओं को साक्षर बनाने की मुहिम में जुट गई और 6 महीने बाद वापस आवेदन किया। 6 महीने के बाद फिर से रिजर्व बैंक में एप्लीकेशन दिया। अब हमारी महिलाओं का अंगूठा नहीं था, सिग्नेचर्स थी। चेतना की मेहनत सफल हुई और अगस्त 1997 में देश के शीर्ष बैंक ने इनकी संस्था को स्वीकृति दे दी। सोसाइटी को नाम दिया गया मंदेशी ग्रुप। ये देश का पहला डोरस्टेप बैंक था जो महिलाओं के पास बचत खाते की रकम लेने घर जाता था। यही नहीं, बैंक ने महिलाओं के घर जाकर व्यवसाय का प्रशिक्षण देने का सिलसिला भी शुरू किया। जेपी आंदोलन से प्रभावित होकर गांवों का रुख करने वाली इस बेटी ने शादी भी एक किसान नेता से की, तो माया नगरी की चकाचौंध से दूर सामाजिक सरोकारों को अपना मकसद भी बनाया। आज सतारा ही नहीं महाराष्ट्र के 7 अन्य जिलों सहित झारखंड और जम्मू कश्मीर में भी ये बैंक अपना विस्तार कर रहा है, तो उसकी वजह है चेतना की दूरदर्शिता। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। चुनौतियों से लड़ने का जज्बा हो तो फिर डर किस बात का। कल आपको मिलवाएंगे दिल्ली की एक ऐसी ही बेटी से जिसके साथ कुदरत ने भले ही नाइंसाफी की हो, उसके जज्बे ने उसे टूटने नहीं दिया। बस आप देखते रहिए अब के बरस मोहे बिटिया ही बीचों।